हॉस्पिटल से निकले हैं, 50 गज के फासले पर इनके जनाब इनको जो है शूट किया गया। 34 का इस्तेमाल हुआ था, इसमें 9 mm का हुआ है, टाइमिंग भी तकरीबन उस वक्त की एक है। डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स किसी भी कौम का असासा होते हैं और इन्हें मौशे में इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, मगर हमारे मुल्क में इन दोनों शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले कई नामी गिरामी डॉक्टर्स और असाज़ा को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस तरह के ज़्यादातर वाक़यात सिंध में पेश आए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के मुताबिक 2013 तक सूबा सिंध में 5 साल के दौरान 35 डॉक्टर्स कत्ल और 55 अगवा हुए, मगर मुल्क के दूसरे शहरों में भी इन मुकद्दस पेशों से ताल्लुक़ रखने वालों को नहीं बख्शा गया। पंजाब के तारीखी शहर हसन अब्दाल में भी 2 डॉक्टर्स को कत्ल कर दिया गया और दुख की बात यह है कि उनके कातिल अभी तक गिरफ्तार ना हो सके। अहम शख्सियात को हदफ बनाकर कत्ल करने का सिलसिला न सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क में जारी है। ज़िला अटक के तारीखी शहर हसन अब्दाल की मसरूफ शाहरा पर भी 1.5 माह के दौरान 2 सीनियर डॉक्टर्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस इन वारदातों का सुराग लगाने में क्यों नाकाम रही, आइए देखते हैं। अटक में बढ़ते हुए जराइम, पहले एक और फिर दूसरा सीनियर डॉक्टर भी कत्ल। मसरूफ शाहरा जीटी रोड पर वारदात, कोई ऐनी शाहिद नहीं। पुलिस की नाकिस तफ्तीश बंद गली में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाके जिला अटक, जहां कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 18 मार्च को इंसदादे पोलियो मुहिम अटक के इंचार्ज डॉक्टर बाबर अली को उस वक्त कत्ल किया गया जब शाम क्लिनिक से फारिग होने के बाद वो अपने घर जा रहे थे। तकरीबन 8:30 बजे के करीब ये हॉस्पिटल से निकले हैं, 50 गज के फासले पर इनके जनाब इनको जो है शूट किया गया और इनकी जगह वो उसी जगह जो है इनकी जो है वो डेथ हो गई। थाना सिटी हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई, लेकिन तफ्तीश हुई सिर्फ कागजात में और 12 मई को डॉक्टर बाबर अली के कजन और सीनियर डॉक्टर फैसल मंजूर को भी क्लिनिक से निकलने के बाद शाम के वक्त घर वापसी पर निशाना बना दिया गया। इनको बॉडी पे 3 फायर हिट हुए, एक और भी हिट हुआ लेकिन वो भाई से स्लाइड करके निकल गया और बाकी गाड़ी के ऊपर 4-5 फायर और हैं लेकिन वो इनकी बॉडी को हिट नहीं किए, लेकिन जो हिट किए थे वही काफ़ी थे क्योंकि वो हार्ट में जाके लगे और मतलब जो टाइम लैप्स है उसमें आई थिंक बेली सर्वाइव 3-4 मिनट्स आफ्टर दैट। थाना सिटी हसन अब्दाल ने फिर मुकदमा दर्ज किया और पुलिस फिर नाकामी की खुशखबरी सुना रही है। डीएसपी हसन अब्दाल सर्कल के मुताबिक दोनों वारदातों में मुमासलत है और माहिर तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तहकीकात कर रही हैं। इस केस की अहमियत के मद्देनजर डीपी अटक हैं, उन्होंने 2 डीएसपी के जेर निगरानी 3 अलग अलग उन्होंने टीमें तश्कील दी हैं। उसमें 34 का इस्तेमाल हुआ था, इसमें 9 mm का हुआ है, टाइमिंग भी तकरीबन उस वक्त की एक है, वो जगह भी नज़दीक है, तो वो सारी उस पर ये टीमें सारी उस पर वो इवन आईटी के हवाले से टेक्निकल टीमें हैं वो सारी इंशाल्लाह तफ्तीश हो रही है। इंशाल्लाह इसमें हम पूरी उम्मीद है कि किसी न किसी नतीजे पे हम पहुँचें। दो डॉक्टर्स के कत्ल के बाद इलाके के लोगों में तश्वीश पाई जाती है और वो इन वारदातों का जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हैं। हसन अब्दाल के बासियों का कहना है कि पहली मर्तबा डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया, अगर डॉक्टर बाबर अली के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाता तो डॉक्टर फैसल मंजूर का कत्ल ना होता। छोटे छोटे जराइम देखें जी तो हो रहे हैं, लेकिन इस किस्म इस नौयत का ये जो जुर्म है ये पहली दफ़ा हुआ है। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर बाबर अली की शहीद जो है ये हमारी बदकिस्मती समझे या इंतज़ामिया की नाअहली समझे आप, कि अगर उसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाता तो शायद ये वाकया रूनुमा ना होता। दूसरा वाक़ा जो पेश हुआ है ये सरासर इंतज़ामिया की नाअहली है। हम मुतालबा करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो कातिल है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दोनों सीनियर डॉक्टर्स को मुल्क की मसरूफ तरीन चारा जीटी रोड पर कत्ल किया गया, लेकिन करीबी दुकानदारों ने कुछ देखा न ही सड़क से गुजरने वाला कोई ऐनी शाहिद पुलिस को तफसील बताता है, जिसकी वजह से अंधे कत्ल की दोनों वारदातों की तफ्तीश में पुलिस नाकाम है। काश कोई शख्स ऐसा आ जाए जो कि मैंने ये चीज़ देखी है, ये ऐसे हुआ है, कोई ऐसी शक्ल थी,
तो फिर ये कोई लीड मिलती है। अब तो टोटली ब्लाइंड है। हमारी बदकिस्मती है कि कोई विटनेसेस सामने उस तरह नहीं आए जो आइडेंटिफाई करें, पिन पॉइंट करें। अगर कोई आ जाता तो हमें हो सकता है बेहतर लीड मिल जाती, हो सकता है सेकंड मर्डर अवॉइड किया जा सकता है। इसमें हमें जो पब्लिक है, आवाम है, उनकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो उन्हें चाहिए कि अगर उनके पास जो भी इस सिलसिले में कुछ इतलात हैं तो वो अगर सामने नहीं आना चाहती पब्लिक, हमें कम अज कम किसी ख़त के ज़रिए अपना नाम भी ज़ाहिर ना करें, या अगर हम नाम भी बताते हैं तो हम उनका नाम कहीं ज़ाहिर नहीं करेंगे। लेकिन हमें अब अगर ये पब्लिक की तरफ से इस तरह की फ़ीडबैक मिले तो कोई बात नहीं कि जो हमने काम 10 दिनों में करना कर सकते हैं वो एक दिन में हो सकता है। हर साल सैकड़ों गैर मुल्की सिख अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हसन अब्दाल का दौरा करते हैं, जहां सीनियर डॉक्टर्स के कत्ल की वारदात ने पूरे इलाके के मकीनों में तशवीश की लहर फैला दी है, जिसके खात्मे के लिए पुलिस को कत्ल की इन दोनों वारदातों का सुराग लगाना होगा। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, हसन अब्दाल, अटक। रकाबत की आग में जलने वाले दूसरों के साथ अपने घर को भी जला लेते हैं और इसका नतीजा भी इंतहाई भयानक होता है। लाहौर में भी रकाबत की आग में जलते हुए ड्राइवर ने शादी से इनकार करने पर अपने साथ मुलाजमत करने वाली खातून और मुलाजिम को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। डिफेंस लाहौर के रहायशी बिजनेसमैन हसन अली का घरेलू ड्राइवर असद साथी मुलाजमा आबदा बीबी से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था। दूसरी जानिब आबदा असद की बजाय खानसामा मोहम्मद खालिद को पसंद करती थी। असद को उन दोनों पर गुस्सा था। मंगल की दोपहर असद ने आबदा को कहा कि वो उससे शादी कर ले तो आबदा ने इनकार कर दिया। इसी दौरान खालिद भी वहाँ आ गया और उन दोनों के दरमियान तलक कलामी के बाद हाथापाई हो गयी, जिस पर असद मुश्तिल हो गया और कमरे से बंदूक उठा लाया और अंधाधुंध फायरिंग करके आबदा और खालिद को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर मौजूद स्वीपर ने शोर मचाया तो मुलजम ने उस पर भी फायरिंग करना चाही तो वो खिड़की से छलांग लगाकर भाग निकला। एक असदुल्ला नाम का ड्राइवर था जो गुज़िश्ता 30 साल से यहाँ पर मुलाजम था, तो जब यहाँ पर नए मुलाजमीन आए तो उसको अपनी बका का मसला नज़र आया, तो जिसकी वजह से उन्होंने उनकी आपस में चपकलश बन गई। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि वो जो मकतूला आबदा है उससे शादी का भी ख्वाह था, ये ना होने की कोशिश में की सूरत में उसने उनका कत्ल किया, डबल मर्डर किया उसने। एक खालिद मकतूल जो कि खानसामा था और आबदा जो कि मुलाजमा थी। वो स्वीपर था कासिम, उसने खिड़की से छलांग लगा दी तो उस सूरत में बच गया और बाहर से एक बंदा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के वो चला गया जी। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों लाशें कब्जे में लेकर मुलजम असद को, जो घर के ही एक कमरे में छुपा हुआ था, उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए कहा कि वो आबदा से सच्ची मोहब्बत करता था और खालिद रुकावट बना हुआ था। आबदा के इनकार पर उसने तैश में आकर ये इंतहाई कदम उठाया। तूला आबदा जरावाला, जबकि खालिद फैसलाबाद का रहायशी था। बंदूक जो इस्तेमाल हुई है वो बिल्कुल लाइसेंसी और परमिट वाली और उसमें मालकान की है। जी मालकान की अदम मौजूदगी में इस्तेमाल की गई है। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घर का मालिक हसन अली उस वक्त मौजूद नहीं था। घर में वकूए के वक्त मौजूद तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश किया जाएगा ताकि असल हकायक सामने आ सके। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मोहब्बत और रकाबत साथ साथ चलती है, मगर बास दफा मोहब्बत हार भी जाती है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध की मारूफ अदाकारा नसरी नास को लाड़काना से अगवा कर लिया गया। इस वाकये को 4 दिन गुजर गए मगर अभी तक पता ना चल सका कि अगवाकार कौन है। आइए देखते हैं कि पुलिस ने जिन 4 अफराद को गिरफ्तार किया वो कौन थे। मारूफ अदाकारा नसरी नास 14 मई को लाड़काना के इलाके रत्तो डेरो में एक ड्रामे की शूटिंग के लिए गई। उसी रात किसी इस्माइल नामी शख्स ने उसे शिकारपुर से 10,000 की रकम इजी पैसा के जरिए भेजी और एक टेलीफिल्म में काम करने का कहा। पुलिस जराये के मुताबिक
14 मई की सुबह एक मेहरान कार आई और अदाकारा नसरीन को अपने हमरा ले गई, जिसके बाद से वो लापता हैं। रक्तो डेरो के एएसपी तौकीर अहमद ने अगवा शुदा खातून के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से तहकीकात का आगाज करते हुए शिकारपुर की इजी पैसा शॉप से चार अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। अदाकारा की फैमिली ने गुज़श्ता रोज कराची में प्रेस क्लब के बाहर उसकी बाजियाबी के लिए मुजाहरा किया, जिसमें उसकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया गया। एएसपी रत्तो डेरो तौकीर अहमद ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि अदाकारा नसरीन की फैमिली ने अभी तक पुलिस से कोई राबता नहीं किया और ना ही मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही हकीकत सामने आ जाएगी। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज अदाकारा नसरीन का अपनी फैमिली से मोबाइल फोन पर रابطہ भी हुआ है, लेकिन उनकी फैमिली ने अभी तक पुलिस को मजीद सूरत हाल से आगाह नहीं किया, जबकि पुलिस अदाकारा नसरीन के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मजीद तहकीकात कर रही है। कराची में पुलिस के हाथों एक ऐसा जालसाज गिरोह पकड़ा गया जो पाकिस्तान में बैठकर दुनिया के दीगर ममालिक की कंपनीज के साथ फ्रॉड कर रहा था। खतरनाक गिरोह के कारिंदे कई कंपनीज के लाखों रुपए मालियत के कंटेनर्स भी बेचकर खा चुके थे। नित नए तरीके से लोगों को ठगने और लूटने वाले अफराद ने कराची में जालसाजी के जरिए कारोबार शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने एक वो तरीका इख्तियार किया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और अपनी दीदा दिलेरी का कमाल दिखाते हुए उन्होंने एक मरे हुए शख्स के नाम पर कंपनी खोल डाली। कराची सी पोर्ट के पास 6 अफराद ने चंद माह कबल बुरहान ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग के नाम से कंपनी बनाई, जो बैरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क से आने वाली कंपनियों के कंटेनर्स की कंसाइनमेंट वसूल करती थी। बुरहानी कंपनी से इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी बुरहानी कंपनी के नाम से, और बुरहानी कंपनी बनाई थी और इनका ऑफिस डिफेंस में था। डिफेंस में इंपोर्ट कंपनी और वो सारी जाली थी। उन्होंने ये बना के बाकायदा उसी पे इन्होंने ईमेल किया इनसे, हाँ बुरहानी जाली कंपनी में भाई, और उसको इन्होंने बाकायदा अच्छा इन्होंने एक उसका लाइसेंस दिया जो एक बंदा वहाँ पे सऊदी में सामने बताया मर चुका है, उसी के थ्रू सारा इन्होंने प्रोसेस चलाया। लेकिन इस कंपनी का भांडा उस वक्त फूटा जब ये कंपनी किराए पर दिए गए कंटेनर समेत गायब हो गई। मुतासर कंपनी के अफराद ने डॉक्स थाने में केस की एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, और चंद रोज की मेहनत के बाद चार मुलजमान अरसलान शकील अख्तर और रंगलाही को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वाले मुलजमान मुख्तलिफ अफराद की दस्तावेज जाली तरीके से इस्तेमाल करते हुए कंपनी के नाम पर कई कंटेनर्स फरोख्त कर चुके थे। जो चार बंदे थे जो ये कुछ क्लियरिंग एजेंट थे, जो क्लियरिंग एजेंट जो कस्टम्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये लाइसेंसी जो क्लियरिंग एजेंट नहीं है, ये एक फ्रीलांस काम करते थे। जो जो रजिस्टर्ड क्लियरिंग एजेंट है उनके शनाख्ती कार्ड और उनके रजिस्टर्ड जो भी लाइसेंस है उसके बेसिस पे फ्रीलांस काम करते थे। इनमें एक जो सरगुना है उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मुलजिमान इसके अलावा किन कार्रवाइयों में मसरूफ थे और उन्होंने अपना जाली कारोबार कैसे शुरू किया? मुलजिमान इतने शातर हैं कि उन्होंने सऊदी अरब में चंद साल कबल मरने वाले एक शख्स के शराती कार्ड पर कंपनी रजिस्टर की और फिर बनाई गई दस्तावेजात के जरिए उन्होंने जाली सिम्स और लैंडलाइन नंबर भी हासिल कर लिया। जाली शनाख्ती कार्ड के बेसिस पे जो बंदा सऊदी अरब में मर चुका था उसके नाम पे उन्होंने सिम इशू कराई और उस पर फ़ोन किए। कोई हमारे पास एविडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी अनथक मेहनत से जिस तरह उन्होंने एक तो ट्रैप किया, दूसरा फ़ोन के थ्रू उन्होंने जो इमी के जो रिकॉर्ड रन किए उस पे इनकी टीम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि पकड़े गए मुलजमान अब तक लाखों रुपए मालियत के कंटेनर्स जालसाजी के जरिए हासिल करने के बाद उन्हें आगे फरोख्त कर चुके हैं। टोटल 11 कंटेनर्स इसमें थे जिनकी एक्चुअल मालियत जो मार्केट में है
280 पर कंटेनर लाख 2,80,000 पर कंटेनर्स हैं, कहीं 3 लाख भी हो तो टोटल हम कह सकते हैं कि 33 लाख का अप्रॉक्सीमेटली मालियत का ये कंटेनर्स थे वो इन्होंने यहाँ से बोगस डॉक्यूमेंट के थ्रू यहाँ से इन्होंने ले गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक पकड़े जाने वाले जालसाज ग्रोह के कारिंदों ने चीन की एक कंपनी से भी फ्रॉड किया था, जबकि इस ग्रोह के 2 मफरूर मुलजमान की तलाश भी जारी है। कैमरामैन रमीज बोहरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।